सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घाघर हकड़ा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबागा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। ब्रिटिश काल में हुई खुदाई के आधार पर पुरातत्वों और इतिहासकारों का अनुमान है कि ये अत्यंत विकसित और सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बचे और उजड़े हैं। चार्ल्स मेसन ने पहली बार इस पुराने सभ्यता को खोजा। घनीखाम ने 1762 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। फल्टिन ने इस पुराने सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। सिंधु घाटी का सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबागा, वनमाली, राघापुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले जो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अंत कई इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से अधिक उचित मानते हैं। इस सभ्यता का क्षेत्र संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र से अनेक गुना बड़ा और विशाल था। इस परिपक्व सभ्यता के केंद्र स्थल पंजाब तथा सिंधु में था। तपश्चात इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की दिशा में हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। इसका फैलाव उत्तर में रहमन डेरी से लेकर के दक्षिण में दैमदाबाद महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के गोड़ से लेकर के उत्तर पूर्व में मरेठ और कुरुक्षेत्र तक था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजकार था। उत्तर में जम्मू के मंडा से लेकर के दक्षिण में गुजरात के भूगोल तर और पश्चिम से अफगानिस्तान। नगर निर्माण इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी कि यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंटों के मकानों में सम्मान लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात ये थी कि ये जाल की तरह विमस्त थे, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर कटती थी और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाते थे। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी चाहे वे छोटी हों या बड़ी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। वहाँ के स्मारक इस बात के प्रमाण हैं कि वहाँ के शासक मौजूदा शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारतें देख करके सम्मान लोगों को भी ये लगेगा कि ये शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे।
मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नान नगर, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। ये ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। ये मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नान नगर, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। ये ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। ये 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक जाने की सीढ़ियां लगी हैं। बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं। स्नान नगर का फर्श पक्की ईंटों का बना है। पास के कमरे में एक बड़ा सा कुआं है, जिसका पानी निकाल करके होज में डाला जाता था। होज के कोने में एक निर्गम है, जिससे पानी बाहर लाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि ये विशाल स्नान नगर धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा, जो भारत में पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक रहा है। धार्मिक जीवन हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकरण भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। विद्वानों के मत में ये पृथ्वी की देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृक्ष से रहा होगा। इसीलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती को उबारता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की। लेकिन प्राचीन मिस्र की तरह यहाँ का समाज भी मृत्यु प्रधान था कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। कुछ वैदिक सूतों में पृथ्वी माता की तुष्टि है। धोलवीरा के दुर्ग के एक कुआं मिला जिसमें नीचे की तरफ जाती सीढ़ियां और उसमें से खिड़की थी, जहां दीपक जलाने से सबूत मिलते हैं। उस कुएं में सरस्वती नदी का पानी आता था, तो शायद सिंधु घाटी के लोग उस कुएं के जरिए सरस्वती की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक सेल पाया जाता है, जिसमें से ये योगी का चित्र है, 3 या 4 मुख वाला। कई विद्वान मानते हैं कि ये योगी शिव है। मेवाड़, जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा में था, वहाँ आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार एकलिंगनाथ जी की पूजा होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने शवों को जलाया करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों की आबादी करीब 50,000 थी और फिर भी वहाँ से केवल 100 के आसपास ही कब्रें मिली हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वे शव जलाते थे। लेकिन काली बागा आदि जगहों पर हवन कुंड मिले हैं, जो उनके वैदिक होने का प्रमाण है। शिल्प और तकनीकी ज्ञान। यद्यपि इस युग के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार तथा उपकरण प्रयोग करते थे, पर वे कांसे के निर्माण से भलीभांति परिचित थे। तवे तथा टीन मिलाकर के धातु शिल्पी कस्या का निर्माण करते थे। हालांकि यहाँ दोनों में से कोई भी खनिज प्रमुख मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। सूती कपड़े भी बुने जाते थे, लोग नाव भी बनाते थे। मुद्रा निर्माण, मूर्ति निर्माण के साथ बर्तन बनाना भी प्रमुख शिल्प था। प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह यहाँ के लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया था। हड़प्पा लिपि का पहला नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आई, परंतु अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि का ज्ञान हो जाने के कारण निजी संपत्ति का लेखा जोखा आसान हो गया। व्यापार के लिए उन्होंने माप तौल की आवश्यकता हुई और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया।
बाटे की तरह की कई वस्तुएं मिली हैं। उनमें से पता चलता है कि तौल में 16 या उसके अंतरकों को, जैसे 16, 32, 48, 64, का उपयोग होता था। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक काल तथा तक भारत में रुपया 16 आने का होता था। एक किलो में 4 पाव होते थे और हर पाव में 4 कनावा, यानी एक किलो में कुल 16 कनावा।